बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम अलैकुम। आज तकरीबन एक साल के बाद मैं गोल्डक्रेस्ट मॉल में खड़ा हूँ। जब एक साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था और मैंने ये कमर्शियल जो है वो आप लोगों को बताया था कि सेल के लिए अवेलेबल है, तो उस वक्त शायद आपको याद होगा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। बट आर थिंग्स हैव टोटली चेंज। ग्राउंड फ्लोर तकरीबन 90% ऑक्यूपाइड है और मॉल बहुत आबोताब से चल रहा है। एज़ यू कैन सी पीछे अलफता, वो तो उस वक्त भी ओपन था, लेकिन उसके अलावा जो बाकी शॉप्स हैं ये सारी यू मे हैव सीन देम। और ये अब इस वक्त मार्केट के अंदर इट इज़ लाहौर का जो DHA लाहौर का स्पेशली जो है इस वक्त का सबसे बड़ा मॉल यही है। और इसमें जो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही हैं जो मैं बेसिकली आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और उसी के लिए मैं आया हूँ। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि इसका 5th फ्लोर का 6th फ्लोर का अपार्टमेंट का पोजेशन जो है वो मिल चुका है और उसकी एक सेरेमनी भी हुई अगस्त में। अब उसके अलावा 2-3 और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा भी। और उसमें जिम आ रही है और उसके अलावा जो है वो चिल्ड्रंस प्ले एरिया आ रहा है। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही पीछे वहाँ पर लोफोलॉजी रेस्टोरेंट है, दैट इज़ ओपनिंग अप सून एज वेल। सो गाइस, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी यूनिक और इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है जो इस वक्त DHA लाहौर में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। और इसका जो रेंटल रिटर्न है दैट इज़ एक्चुअली वेरी फिनोमिनल एज़ कम्पेयर टू अदर कमर्शियल्स जो DHA लाहौर के अंदर बिक रहा है। सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक अराउंड द मॉल एंड सी के जनाब वहाँ पर इस वक्त क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यू नो मेरे चारकोल, रॉयल टैग, कैमरेज, यू नो सो मैनी ब्रांड्स हैव केम इन ओवर हेयर एंड दे आर एक्चुअली डूइंग वेरी फिनोमिनल एंड देयर सेल्स आर एक्चुअली वेरी हाई एज वेल। सो एज़ यू कैन सी बिहाइंड ये कैम्ब्रिज की शॉप के साथ हम खड़े हैं। एक शॉप बीच में भी है जो प्रॉबली मेरा ख्याल है जीन ने खोल लिया, आई एम नॉट श्योर, बट दैट इज़ स्टिल टू ओपन। लेकिन उसके साथ हैंगटन है, न्यूयॉर्क है, इधर आपके चार रॉयल टैग है, देन अहेड वी हैव मोनार्क। सो टेक्निकली एज फार एज मेन्स ब्रांड्स आर कंसर्नड, इट्स अ वेरी वेरी एक्टिव एंड हैपनिंग प्लेस राइट नाउ। फर्स्ट फ्लोर अभी तक उस तरह से नहीं चल पाया, बट द बिग न्यूज़ कमिंग इज दैट देर आर सम बिग ब्रांड्स विच आर कमिंग ऑन फर्स्ट फ्लोर वेरी सून। अब हम आपको लेके जाएंगे 2nd फ्लोर के ऊपर जहाँ पे बन रहा है जिम, एन अमेजिंग जिम, एन अपॉर्चुनिटी जो इस वक्त DHA लाहौर में उस तरह की जिम ही अवेलेबल नहीं होगी, एंड अ चिल्ड्रन प्ले एरिया जो मेरा ख्याल है कि जो विच वी हैव बिन मिसिंग फॉर सो मेनी ईयर्स। मैं जब से DHA लाहौर में हूँ हमें सबसे बड़ा मसला ये रहा कि वी डोंट हैव अ गुड यू नो चिल्ड्रंस प्ले एरिया, बट दिस वन इज़ बिग, राउंड अबाउट 20-25,000 स्क्वायर फीट। और उसमें आ रहा है चलो प्ले जो कराची का एक बहुत बड़ा ब्रांड और एक बहुत बड़ा नाम है। लेट्स गो एंड सी। सो लेट्स गो एंड सी। एज यू कैन सी ये सारी जो एरिया है जिस पे ये सारी ब्रांडिंग हुई आपको नज़र आ रही है ये चलो प्ले है जिसकी मैं आपको बता रहा था। चलो प्ले कराची का एक वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द फाइनेस्ट ब्रांड ऑफ एंटरटेनमेंट है जो बेसिकली इज़ गोइंग टू ऑपरेट चलो सिनेमा ओवर हेयर एंड द चलो प्ले एरिया। तो बच्चे हो जाए तैयार क्योंकि यहाँ पे खुलने लगा है लाहौर का और DHA लाहौर का सबसे बड़ा प्ले एरिया जिसमें आगे अंदाजे के मुताबिक 15 करोड़ रुपए के खेलने की चीज़ें आ रही हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टॉटलर्स टू यंग टीनेजर्स एज वेल। अब हम आपको लेके जाएंगे 2nd फ्लोर पर जहाँ पर जिम बन रही है। अब जिम इज़ अ वेरी अमेजिंग फीचर जो जो भी लोगों के ऊपर अपार्टमेंट्स आ गए हैं उनके लिए ये बहुत हैंडी फीचर था एंड जिम इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन एंड वी गोइंग टू सी। फिर हम आपको लेके जाएंगे 5th फ्लोर पे और 6th फ्लोर पे जहाँ पे आ चुका है पोजेशन अपार्टमेंट्स का। अगर आपको रेंटल पे अपार्टमेंट्स चाहिए या आप खरीदारी में इंटरेस्टेड है, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी राइट टाइम टू गेट इन टू दिस थिंग क्योंकि मेरे एक अंदाजे के मुताबिक आफ्टर पोजेशन इन आ ईयर और टू आपको एक बहुत मेजर जंप मिलने वाला है इन अपार्टमेंट्स की प्राइसिस में। सो गाइस यहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेज़नाइन फ्लोर पे, ये 2nd फ्लोर से ऊपर वाला फ्लोर है। यहाँ पर बेसिकली आपको सिनेमा की एग्जिट्स मिलेगी और उसके अलावा यहाँ पे बन रहा है एक बहुत बड़ा जिम जो आपके ये यहाँ पर आपके साइड पे इस बिल्डिंग के अंदर आपके होगा और कवर्ड है। राइट नाउ अभी ये अंडर प्रोसेस है सो आई कॉन्ट शो यू, बट फॉर ऑल दोज पीपल जो हेल्थ और फिटनेस का शौक रखते हैं, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल प्लेस टू कम ओवर एंड कीप योर सेल्फ हेल्दी, फैट एंड वाइज। अब हम आपको लेके जाएंगे 5th फ्लोर पे जहाँ का पोजेशन अब आ चुका है एंड वी जस्ट गिव यू स्मॉल राउंड अप कैसे वहाँ पर जो है वो अपार्टमेंट्स और जो फाइनल लुक है गोल्डक्रेस्ट की वो कैसी है। लेट्स गो एंड फाइंड आउट।
ये वो लिफ्ट है जो बेसिकली दो लिफ्ट बिल्डिंग की एक साइड पर, दो लिफ्ट एक साइड पर, ये प्योरली रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए है और ये सिर्फ रेजिडेंट अपार्टमेंट को सर्व कर रही है. सो वी गोइंग टू यूज़ दिस लिफ्ट एंड वी गोइंग टू गो अप टू द फिफ्थ फ्लोर. सो गाइस, अब हम खड़े हैं पाँचवें फ्लोर के ऊपर. एंड दिस इज अमेजिंग बिकॉज जब हमने आपको कहा था कि ये 13 फुट की लॉबी इज गोइंग टू गिव अ ग्रैंड फीलिंग जब आप इन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में आएंगे. सो यू कैन सी, अब सामने तक देखें तो आपको इंतहाई खूबसूरत लॉबी लगेगी जो किसी भी तरह से किसी भी 5-स्टार लिविंग से कम नहीं है. और अभी चूंकि ऊपर तैयार नहीं है तो मैं आपको एक्चुअल व्यू ऑफ लाहौर तो नहीं शायद उस तरह से दिखा सकूंगा, बट आई विल जस्ट शो यू अ स्मॉल अपार्टमेंट. 553 स्क्वायर फीट का स्टूडियो अपार्टमेंट है. लेट्स गो एंड सी हाउ इट लुक्स. सो दिस इज द अपार्टमेंट. एज यू कैन सी 553 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है ऑन द फिफ्थ फ्लोर. ये इसका किचन है. देयर इज अ वॉशरूम ओवर हियर. दिस इज द बेडरूम एरिया, द कवर्ड्स एंड स्टफ. हियर वी हैव one of the best views of Lahore. And as you can see, DHL Lahore mein is tarah ka view jo hai wo is location ke upar, you know, it's a blessing. Aur ye batata chalun ki kuch apartments ab hamare paas available hain on rental purpose and sale purpose as well. Aur ye bahut sahi time hai agar aap specially invest karna chahte hain for sale purposes. So jump in now or things are going to go very high in very near future. Jaise ye building abad ho jayegi, I'm telling you, rates are going to jump phenomenally. So guys, that is all for the tour of Goldcrest Mall today. If you have any questions, please ask us, call us, and inshallah ta'ala we will answer you with the best of our abilities. Thank you very much and Allah Hafiz.